यूपी के औरैया में 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद महाराष्ट्र से आ रहा एक ट्रक सागर जिले के बांदा में पलट गया। इस ट्रक में कपड़े के रोल्स थे और कुछ मजदूर सवार थे। इस हादसे में अभी कुल 4 महिलाओं और 2 पुरुषों की मौत हुई है और बाकी 16 लोगों का इलाज चल रहा है। ये मजदूर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और बस्ती जाने वाले थे। बताया जा रहा है कि यह हादसा सागर जिले के छतरपुर रोड पर दलपतपुर के पास हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में श्रमिकों से भरी डीसीएम और ट्रेलर में टक्कर में हुए सड़क हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के असमय काल के गाल में समा जाने और घायल होने का भी दुखद समाचार मिला है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में 3,39,000 मजदूर वापस आए हैं। बाहर के मजदूरों को सीमा तक छोड़ने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। मजदूरों के लिए 10,000 बसें और 70 से अधिक ट्रेनें चलाई गई हैं। इन हादसों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि औरैया की दुखद घटना के बाद अब उन्नाव और सागर में भी सड़क दुर्घटना में मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। ये त्रासदी बनती जा रही है। इसका हल एक ही है कि सरकार मानवीयता और संवेदना के साथ मजदूरों को उनके घर पहुंचाए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि मजदूरों को इन अमानवीय हालातों में नहीं छोड़ा जा सकता। औरैया में 24 मजदूरों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रत्येक बॉर्डर पर 200 बसें बॉर्डर के जिलों में व्यवस्थित की गई हैं, जिनसे लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था की जा सकती है। आपको बता दें कि घर वापसी के लिए तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों पर आज का दिन भारी गुजर रहा है। सागर में हुए हादसे से पहले यूपी के औरैया में आज सुबह 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसमें 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। जिन ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई उसमें सवार मजदूर पश्चिम बंगाल और झारखंड के रहने वाले थे। इन ट्रकों में सवार कुछ मजदूर दिल्ली से लौट रहे थे। हादसे के वक्त औरैया में कानपुर देहात के पास NH-19 पर तड़के 3:30 बजे मजदूर चाय पीने के लिए रुके थे। हादसे के बाद दोनों ट्रक पलटकर पास के गड्ढे में जा गिरे। इन ट्रकों में सवार 2 मजदूर यूपी के कुशीनगर जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि जो ट्रक खड़ा था वो दिल्ली से मजदूरों को लेकर लौटा था और मध्य प्रदेश जा रहा था। दूसरा ट्रक जिसने टक्कर मारी वो राजस्थान से आ रहा था।